आज हम एकदम सॉफ्ट और फूली हुई पूरन पोली बनाएंगे। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल के हम इसका पूरन बनाएंगे, जिससे रेगुलर पूरन बनाने में जितना टाइम हमें लगता है उससे आधे टाइम में ये पूरन बनके तैयार होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पूरन पोली का पूरन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, वो ली है। यहाँ पर मैंने बिना तेल लगाई हुई दाल ली है, आप तेल वाली दाल का भी यूज़ कर सकते हो। अब पानी डाल के दाल को हम अच्छे से धो लेंगे, जिससे इस पे लगा हुआ पाउडर और तेल निकल जाए। इस दाल को हम 2 से 3 बार धो लेंगे। दाल में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब फ्रेश पानी डाल के इसे हम आधा घंटा भिगोने रख देंगे। आधे घंटे के बाद दाल में से सारा पानी निकाल देंगे। अब दाल को बॉईल करेंगे। इसके लिए जितनी दाल हमने ली थी इतना ही पानी हम डालेंगे। एक कटोरी दाल के लिए 1 कटोरी पानी डालेंगे। पानी हमें माप कर ही डालना है, जिससे दाल हमारी घट्ट बनेगी और उससे पूरन हमारा जल्दी बनके तैयार होगा। कुकर में 1 गिलास पानी डालकर स्टैंड पर दाल रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल तक दाल को हम पका लेंगे। दाल हमारी कुक हो रही है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। जो रोटी बनाने में हम यूज़ करते हैं वही आटा मैंने यहाँ पर लिया है। 2 टेबलस्पून तेल का मोइन डालेंगे। मोइन को पहले हम आटे में अच्छे से मिला लेंगे और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा हम लगा लेंगे। ये देखिए, रोटी के लिए हम जैसा सॉफ्ट आटा बनाते हैं ऐसा ही आटा मैंने बना लिया है। अब इसे ढककर हम साइड में रखेंगे और पूरन बना लेते हैं। कुकर का सारा प्रेशर निकल जाए बाद में ही हम कुकर खोलेंगे। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अगर दाल में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पूरन बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम चम्मच से दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसके लिए पाव भाजी मैशर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर हैंड ब्लेंडर से भी दाल को मैश कर सकते हो। दाल हमारी अच्छे से मैश हो गई है, अब हम पूरन बना लेते हैं। दाल को मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है। मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ की है। आप कोई भी जड़े तले वाली कढ़ाई का यूज़ कर सकते हो। अब हम मीठा ऐड करेंगे। हमने जो 1 कटोरी दाल ली थी वही कटोरी से 3/4 कटोरी हम गुड़ और 1/4 कटोरी हम शक्कर डालेंगे। अगर आप शक्कर डालना नहीं चाहते हो तो 1 कटोरी दाल के लिए आप 1 कटोरी गुड़ लीजिए। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते जाएंगे। इस तरह हम दबा के इसे प्रेस करते हुए मिलाएंगे, जिससे अगर कोई साबुत दाल रह भी गई हो तो वो भी मैश हो जाए। ये देखिए, गुड़ और शक्कर अच्छे से पिघल गए हैं और पूरन भी हमारा पतला हो गया है। अभी आप पूरन को टेस्ट कर सकते हो और अगर आपको मीठा कम लगे तो अभी आप गुड़ या शक्कर ऐड कर सकते हो। अब ये पूरन को हमें थिक होने तक पकाना है। इसके लिए आज हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिससे रेगुलर पूरन बनाने में जितना टाइम लगता है उससे आधे टाइम में ये पूरन हमारा बनके तैयार होगा। 2 चम्मच हम घी ऐड करेंगे, जिससे पूरन में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। अब 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे, इससे पूरन हमारा फटाफट आधे टाइम में बनके तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इस तरह आप भी ज़रूर से पूरन बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर ही इन्हें हम पकाएंगे। पाँच से 7 मिनट के बाद पूरन घट्ट हुआ है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा पूरन हम कटोरी में लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, पूरन हमारा हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और अच्छे से इसका बॉल भी बन रहा है। इसका मतलब पूरन हमारा बनके तैयार है। अब फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिलाकर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और पूरन को हम एक बाउल में लेके पूरी तरह ठंडा होने देंगे।
फूरन हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए ये हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये फूरन हमारा परफेक्ट बना है। आज मैं मीडियम साइज़ की पूरन पोली बना रही हूँ, इसलिए मीडियम साइज़ का पूरन का हम बॉल बनाएंगे। पूरन पोली आप अपनी पसंद की साइज़ की बना सकते हो। अब हम पूरन पोली बेल लेते हैं। जितनी साइज़ का पूरन का बॉल लिया है उतनी ही साइज़ का हम आटे का बॉल लेंगे, जिससे हमारी पूरन पोली परफेक्ट बनेगी। पहले हम आटा लेंगे और थोड़ा सूखा आटा इस पे हम डस्ट करेंगे और इसकी हम छोटी एक पूरी बना लेंगे। साइड से हम इसे बेलते जाएंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम थिक रखना है। अब हम बीच में पूरन रखेंगे और एक साइड को उठाकर सारी किनारियों को हम जैसे दिखाया है ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे। अब ऊपर हम इसे दबाते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। अब इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करके बंद कर देंगे और हाथों से इसे गोल शेप देते जाएंगे और हल्का सा दबाते जाएंगे, जिससे पूरन हमारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। थोड़ा सूखा आटा ऊपर डस्ट कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से किनारियों से हम इसे बेलते जाएंगे और मीडियम थिक पूरन पोली हम बना लेंगे। पूरन पोली बेल के तैयार है। अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा को मैंने गरम कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और पूरन पोली का जो नीचे का भाग था उसे पहले हम तवा पर नीचे रखेंगे और इसे हल्का सा सेक लेंगे। नीचे से हल्का सा सिक जाए बाद में इसे हम पलट देंगे और स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा दबाते जाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे। आप कॉटन के कपड़े से भी दबाते हुए इसे सेक सकते हो। नीचे से अच्छे से पक जाए बाद में इसे हम पलटेंगे और हल्का सा दबाते हुए सेक लेंगे। ये देखिए पूरन पोली हमारी कितनी अच्छे से फूल रही है, इसका मतलब हमारा पूरन और आटा एकदम परफेक्ट बना है। पूरन पोली हमारी बनके तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे और इस पर घी लगा के इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।